राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर हम बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा, उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है, उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेके बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दें वो अलग बात है। राम मंदिर का निर्माण एक घटना, बहुत बड़ी घटना है, उसका उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है।